और हमारे साथ में अब ज्योति अरोरा जी भी हैं। इधर ज्योति जल रही थी लेकिन ज्योति इधर भी है। ये भी TV9 भारतवर्ष का एक जो पूरा आप देख रहे हैं उसमें ये भी एक मुजज़ा यानी ये भी एक करिश्मा है। तो ज्योति अरोरा हमारे साथ हैं। ज्योति, 1 से लेकर 5 तक ये 5 अंक हैं जिनके बारे में आप बताइए कि इन 5 जिनके मूलांक हैं उनके लिए नया साल कैसा होगा। और जब ये 5 आप बता चुकेंगे तो कुछ देर बाद ही से ही 7 बता दीजिएगा, वो मेरा है। जरूर जरूर। सबसे पहले मैं TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को इस नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। 2020 ने हमसे बहुत कुछ लिया, हमें कोरोना का कहर हम सब पे बरपा, बहुत डिजास्ट्रस रहा हमारे लिए। वहीं 2021 की तरफ हम रुक कर चुके हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी अपेक्षाएँ हैं इस साल से। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना, मैं कहूँगी हमें रहना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम लेकर आ सकता है ये साल। ये एक एवरेज ईयर हम लोगों के लिए आ सकता है। अगर पूरे साल का देखें तो 2021 जो है, जिसका कि टोटल बनता है 5, जो रूल करता है मरकुरी रूल करेगा पूरे साल को, जो कि एक, जिसे बोलते हैं कि वेरिएशन लेकर आ सकता है, एक न्यूट्रल सा ईयर साबित होगा। चलिए अब मूलांक की बात करें, जिन लोगों का, जिसे बोलते हैं कि मूलांक बनता है 1, उनके लिए क्या है इस साल का, जिनका जन्म हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को, उनका बनता है मूलांक 1। उन लोगों के लिए ये जो वर्ष है ये नई तरह के अनुभव, नए लक्ष्य और तालमेल बनाने वाला साल होगा। आप अपने लिए काफ़ी बहुत ही साहसी बनकर उभरेंगे। आपके लिए ये जो साल है, इस साल में आप कुछ, आप हो सकता है कि इसके जो मिडिल ऑफ द ईयर में आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आप उस तनाव से निकल भी जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही करेजियस होने वाले हैं। आर्थिक नज़रिए से अगर आप देखें तो आपके लिए ये साल काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। आपको इस पूरे साल में अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है, ये है आपके लिए बहुत ही आवश्यक। मूलांक 2 की बात कर लेते हैं, तो मूलांक 2 उन लोगों का है जिनका जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को। तो आप लोगों का मूलांक 2 होता है और आपके लिए जो ये साल है, आपके लिए भी लक्ष्य केंद्रित है ये वर्ष, यानी कि आपको भी इस पूरे वर्ष में अपने लिए एक गोल डिसाइड करना है कि आपने क्या अचीव करना है, और आपको अपनी मेहनत करने से ही वो अपने गोल को अचीव करने में सहायता मिलेगी। आपको अगर प्रॉस्पर होना है इस पूरे साल में तो आपको अपने लिए बिल्कुल केंद्रित होना होगा अपने गोल की तरफ, इधर उधर डाइवर्जन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे घोड़ा होता है ना, बिल्कुल अपने लक्ष्य की तरफ देखता है तो आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही आपको चलना है। शादीशुदा लोगों के लिए पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है ये साल। लव रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफ़र के योग बना रहा है ये साल, और ट्रांसफ़र आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मूलांक 3 की चलिए अब बात कर लेते हैं। मूलांक 3 उन लोगों का होता है जिनका जन्म हुआ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को। और इस साल आप वही करेंगे, आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट मैं बता देती हूँ, आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। इस साल आप वही करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती हो, आप वो उन लोगों से मिलेंगे जिनसे आपको मिलकर खुशी हासिल होती हो। आप बिल्कुल भी इधर उधर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले। नौकरी अगर आप करते हैं तो उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बिजनेस के लिए ये साल अच्छा है, नौकरी के लिए एक एवरेज ईयर है लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है, विद्यार्थी डटकर मेहनत करेंगे और मुझे ऐसे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। मूलांक 4 की बात कर लेते हैं, तो मूलांक 4 अगर आपका जन्म हुआ है 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को, तो आपका जो मूलांक है वो 4 है, तो आपके लिए ये साल उचित दिशा निर्धारित करने वाला साल होगा। आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे और आपकी, मुझे लगता है कि इस साल आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, आप अपनी लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो समवन स्पेशल से मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ने के चांसेस हैं, जिससे कि आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको फेम मिलने के चांसेस भी बनते हैं। चलिए मूलांक 5 की बात कर लेते हैं, तो मूलांक 5 आपका है अगर आपका जन्म हुआ है 5, 14 या 23 तारीख को। देखिए वैसे तो ये आपका ही वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष का जो अंक बनकर आता है वो भी 5 है, तो जितना लाभ उठाना चाहते हैं आप उठा लीजिए इस साल।
आप जितना अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपके लिए जैसे बोलते हैं ना बढ़ोतरी के योग बनते हैं। अगर आप फॉरेन क्लाइंट से डील करते हैं तो आपको उससे मिलेगा बहुत बहुत लाभ। इस वर्ष आपके परिवार में हो सकता है थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा परिवार वालों की ज़रूरतों को, थोड़ा उन पर आप थोड़ा फोकस बढ़ाइए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये था आप मूलांक 1 से 5 तक का, तो आपका मैं बाद में बताऊंगी। बहुत शुक्रिया ज्योति, बहुत शुक्रिया। और आप मेरा तो मैं आपसे पूछ ही लूंगा, लेकिन आप जो बता रही थी उससे समझ में आ रहा था कि कितना कुछ वैज्ञानिक चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।